तो लखनऊ जूलॉजिकल पार्क से निकल कर के आ चुका हूँ। अभी कहाँ पर हूँ आप देख सकते हैं, चारबाग रेलवे स्टेशन पर। दो लाइन है, एक बड़ी लाइन छोटी लाइन, बड़ी लाइन की तरफ जा रहा हूँ मैं। चलते हैं अंदर प्लेटफॉर्म पर, देखते हैं कि हमारी ट्रेन कब आ रही, किस प्लेटफॉर्म पर आ रही है। नीलाचल एक्सप्रेस शाम का 4 बज चुका है और ये देखिए ट्रेन आई हुई है। और ये जनरल का क्या हाल है, किस कैसे लोग चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं, हमारे तो बस की बात नहीं। मैं चलता हूँ स्लीपर में और ये देखिए स्लीपर में आकर के ऐसे बैठा हुआ हूँ नीचे। सामने हमारे क्या बेसिन है, बगल में देखिए गेट है, यहाँ पर अपना बैग वगैरह करके यहीं पर बैठा हुआ हूँ। उधर वो दिख रहा होगा आपको कौन सा स्टेशन है, ये देख सकते होंगे तुलिन है। अब तुलिन है, अभी सुबह का 6:30 हो रहा है और पीछे ट्रेन हमारी है नीलाचल। बहुत ख़राब ही एक्सपीरियंस है, अब क्या करें, जो भी है बताएंगे आपसे। देखिए इधर आपको दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए भैया, मतलब कोऑपरेशन नाम का कुछ चीज़ ही नहीं है इधर। सिर्फ वहाँ पर देख सकते होंगे कि अभी मैं 17:13 हो रहा है, यहाँ कुछ ऐसा दृश्य है। और मैं कटक रेलवे स्टेशन पर आ चुका हूँ, आगे मुझे भुवनेश्वर तक जाना है और यहीं से ट्रेन बंद करके चल रही है, तो वही देखने गया था। 4 नंबर पर आए, मैं भुवनेश्वर आगे चल चुका हूँ, अपने ट्रेन के लिए इंतजार कर रहा हूँ। पता चले कहाँ पर आई हुई भैया ट्रेन, ये देखो दिखा तो रहा है 3 पे या 2 है, और बगल पे जिस पे मेरी ट्रेन आई वही 3 है। देखा जाए पीछे से आ रही, कहाँ से आ रही है, कैसे पता चले। फिर जाना है कहाँ, ब्रह्मपुर उस ट्रेन से, जो कि 173 किलोमीटर है। अनाउंसमेंट हो रहा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आएगी, तो चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ। देखिए अनाउंसमेंट हो रहा है, थोड़ी देर में आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट है जो कि गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करना होगा हमें, हमें तो नहीं पता क्या लिखे हैं। ये हमारी लोकल वाली है पैसेंजर, पूरा भीड़ है ही भीड़ लगा हुआ, सब लोग दौड़ रहे हैं और हम आराम से बैठे हुए हैं। भीड़ ही भीड़ बज के 8 मिनट हो रहा है, बैठे हुए ट्रेन पे देख सकते हो, ट्रेन चल रही है अगला स्टेशन। और ऐसे आप अभी समय हो रहा है 22:09 और ये मैं छतरपुर रेलवे स्टेशन पर हूँ। और अभी क्या है कि अंदर ही हूँ, छतरपुर के बाद आएगा हमारा कौन सा, ब्रह्मपुर, फिर आपको सुनाते हैं जो भी होगा बताएंगे। तब से कंटिन्यू शरीर चल रही है। फाइनली ब्रह्मपुर आ चुके हैं, तो ब्रह्मपुर में बोल पा रही है। BAM नाउ स्टेशन 40 मिनट फिलहाल हो रहा है और इधर से एग्जिट के लिए तो दिखा रहा है। और यह क्या भैया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोर्स फॉर ग्लोबल फूड। अच्छा ही देखो ग्लोबल फूड कितना बढ़िया लग रहा है, UPI कोविशील्ड योगा। चलो ठीक है, क्लासरूम अवेलेबल।
ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन के बाहर आया हूँ। समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ, जाऊँ कि यहीं पर रहूँ, जाऊँ तो एकेडमी में जाऊँ। कॉल किया हूँ तो मैसेज किए हैं कि आई विल कॉल यू लेटर। अब नहीं पता, अब रात का 11 बजने वाला भी है, अब नहीं पता। अब सोएंगे यहीं पर, क्या करेंगे आराम से। और बारिश भी हल्का हल्का हुआ है, जैसे भी पड़ा। अभी 11 बज चुका, अब कहाँ जाऊँ। अब सोच रहा हूँ कि यहीं पर रेलवे स्टेशन पर ही अंदर फैला वैला के सोऊं और घर पे फ़ोन करके बता दूं। और बारिश भी हो रही है, बारिश ऐसे देख सकते होगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करता हूँ, यहीं पे रहता हूँ। ये रेलवे स्टेशन आपको ऐसा दिख रहा है, चलिए चलते हैं। ये सामान है भाई साहब, देखिए 20 नवंबर का व्लॉग, 20 नवंबर आ जाए तो 20 नवंबर के व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। और समय हो रहा है 23:57, और यहाँ पर मैं अपना कुछ इस तरह से बिस्तरा लगा लिया हूँ। अब यहीं पे सोया गया रेलवे स्टेशन पे, ब्रह्मपुर पर हूँ मैं। और समय आपको दिख पाएगा यहाँ से, अगर जूम करूँगा तो समय दिख जाए तो बढ़िया है। हल्का हल्का दिख रहा है समय, कोई बात नहीं। तो चलिए ठीक, मैं सो रहा हूँ अब।